महानगर समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को कानपुर में हुए बवाल में एक पक्षीय रिहाई के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रतीकात्मक तौर पर गिरफ्तारी के बीच सपा ने मुख्य न्यायाधीश को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही पर रोक लगाकर निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में SIT का गठन कर हिंसा की निष्पक्ष जाँच की मांग भी की है। सपा ने कहा है कि शासन ने जिलाधिकारी का स्थानांतरण कर दिया है, जबकि एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। पुलिस अधिकारी अभी तैनात हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर हिंसा में कार्यवाही से शासन व प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले सपाइयों ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने सपाइयों को पुलिस वाहन में बैठाकर कलेक्ट्रेट के अंदर मुशायरा ग्राउंड ले जाकर रिहा कर दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष शानी अली शानो ने किया। इस मौके पर विजय वीर सिंह यादव, तुंगीश यादव, सलामत खान, आसिफ यूसुफ अली, अमीर अंसारी, रफीउद्दीन पाशा, जवी खान, राम प्रकाश तलत, यूसुफ खलीफा, बाबर खान शिरीगुल, गोविंद प्रजापति, शाकिर अशोक सैनी, मुख्तार हुसैन एडवोकेट, अकरम मोहम्मद, अफनान मोहम्मद, अनवर आदि शामिल रहे। मुख्य न्यायाधीश महोदय, सर्वोच्च न्यायालय को हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेजा है, जिसमें कानपुर में जो घटना घटी है उसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा जो एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है, भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। हमारी मांग है कि जो भी कार्रवाई हो वो निष्पक्ष हो, न्यायोचित हो। और दूसरा, जब वहाँ का माहौल ख़राब है उस बीच जिला अधिकारी का ट्रांसफ़र किया जाना ये संदिग्ध है, जो सरकार की नीयत को दर्शाता है। हमने मांग की है, इस बात की भी जाँच होनी चाहिए कि जिलाधिकारी का जो ट्रांसफ़र है वो किस दबाव में किया गया। तो हमारी ये तीन मुख्य मांगें हैं। ये हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मांग की हमने कि इस पर SIT कमेटी बनाकर जांच कराई। क्या कार्यक्रम रहा गिरफ्तारी में? इसके बाद हमने सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने आदर्श में बच्ची के साथ किया गया, किसानों के